नमस्कार जैन साथियों। तो साथियों, आज हो गया शनिवार और कल बीते शुक्रवार को हमारे सेना के अंदर एक बहुत बड़ा, सिक्किम के अंदर एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया है और इसको बताते हुए भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपको, आपने ढेर सारे वीडियोज भी देख लिए होंगे, उससे आपको पता लग गया होगा कि अभी क्या हुआ। जैसे कि सिक्किम इलाके में जानकारी के मुताबिक दोस्तों, सेना के तीन वाहन यानी कि जो सेना की कार्रवाई चलती है उसमें चट्टन से तंगू की ओर जवान जा रहे थे तीन गाड़ियों में, लेकिन जैसे ही फिर सेना के तीनों वाहन या ट्रक ये अपना झेमा इलाके में पहुंचते हैं जो कि लाचैन से 15 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जैसे खड़ी पहाड़ी होती है उससे फिर जब ढलान की तरफ नीचे खड़ा मोड़ होता है तो वहां पर वो अपना उन्होंने नियंत्रण खो दिया, उसमें से एक गाड़ी के ड्राइवर ने, वो गाड़ी सीधी गहरी वहां पर खाई होती है सिक्किम में। हमने खुद दोस्तों वहाँ पर ड्यूटी की हुई है सिक्किम में काफ़ी, वहाँ पर ऐसे जलेबी मोड़ होते हैं और एक ही सबसे ऊँची पहाड़ी से नीचे तक के जितने भी मोड़ होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो काफ़ी गहरी गहरी वहाँ पर खाइयाँ होती हैं दोस्तों। इसके अंदर दो JCOs, उसके बाद इसमें 14 जवान शहीद हो गए, इसमें लखनऊ के 3, पठानकोट का 1, दिल्ली के 5, जयपुर का 1, जोधपुर का 1, जैसलमेर का 1 है, कोयम्बटूर का 1 है, पटना के 2 और दुर्गापुर का 1 जवान यानी कि ये एक्सीडेंट में शहीद हो गए। जो कि सबसे पहले तो इन जो 16 जवान शहीद हुए हैं एक्सीडेंट में, उनके परिवार वालों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये असहनीय दुख है उसमें घड़ी में उनको सांत्वना दे, शक्ति दे, जिससे कि वो इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहन कर पाएं। तो साथियों, जैसे ये दुर्घटना हुई, जो हादसा हुआ, तो उसके बाद इसको हमारे जो मंत्रीगण हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने कहा है, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति इन सभी की संवेदना है। वे जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने ट्वीट करके प्रार्थना की है। साथियों, कुछ लोग बोल देते हैं, बोला ये अगर आप आर्मी में ड्यूटी कर रहे हो या कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो तो क्या हुआ, पेमेंट तो आप ले रहे हो। लेकिन दोस्तों, कोई भी जवान आर्मी हो या कोई वो डिफेंस फोर्सेज हो, सिर्फ पेमेंट लेने के लिए नौकरी नहीं करता है, वो अपनी भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए और देश के हित के लिए काम करता है। नहीं तो इसमें जो बड़े बड़े VIP हैं या जो मिनिस्टर लोग, क्यों नहीं अपने बच्चों को इसमें भेज देते हैं। तो साथियों, ये काफ़ी शोक संवेद है और आप भी अपनी कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जो समदत परिवार हैं उनके, उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो फिलहाल दोस्तों, इसमें इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।